मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश से जो वहां के नागरिक होते हैं, मुंबई अपना सपना लेके आते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए आते हैं और दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। ऐसे में कुछ लोग उन्हें लूटते हैं और कुछ लोग उनके विश्वासघात करते हैं। ऐसे एक विश्वासघात का मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति मुंबई आया हुआ था, जिसके साथ में विश्वासघात हुआ है। उन्होंने पूरी कमाई एक दुकानदार के हाथ रखाई, रिश्ते में अपनी कमाई मांगने जाते हैं तो उसे मार मार के अजमरा कर देते हैं और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद है, आइए घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो नाम बताइएगा, क्या कुछ हुआ था, आपके पिता का नाम क्या है? सर, मेरे पिता का नाम रघुनाथ है और मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, ये बताइएगा आपको कैसे, क्या जानकारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं घटना जब हुआ तो सर मैं इधर नहीं था, यूपी में था, तो पुलिस द्वारा मुझे कॉल आया कि आपके पिता को एक चिकन वाले ने मारा और आपके पिता एडमिट है, आप यहाँ साइन हॉस्पिटल में आ जाइए। अच्छा। सर, मैं 2 तारीख को मुंबई के लिए निकला, 4 तारीख को इधर पहुँचा तो मेरे पापा आईसीयू में एडमिट थे। सर, तो मारने का कारण क्या कुछ बताया गया? सर, मारने का कारण यही है कि सर जो भी मेरे पापा पैसा कमाते थे वो चिकन वाले को मतलब पैसा उधर जमा करते थे, और जब मेरे पापा अपना कमाया हुआ पैसा वहाँ पे मांगने गए तो उन्होंने सर उनको बहुत मारा। कितने लोगों ने मारा? सर, 5 लोगों ने मारा था, वो FIR में दर्ज किया है मेरे पापा ने। 5 लोगों ने मारा? हाँ। आप क्या करते हो और आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ सर 12th में, और मेरी मम्मी और मेरी 2 बहन है और 1 भाई है। यानी आपके घर में कमाने वाले आपके पिताजी? नहीं सर, अभी कमाने वाला सिर्फ मेरे पिताजी ही थे। हाँ। कमा के भेजते थे जिसके से आपकी पढ़ाई और सब? हाँ सर, हाँ कमा के भेजते थे सर, हम लोग का पढ़ाई का भी खर्च चलता था उसमें और घर का भी सब, खेत का भी सब चलता था। अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से और ये मुंबई आपके लिए नया शहर है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन आपको सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ चाहिए? सर, पुलिस अभी अपना काम कर रही है, बस सर मुझे इंसाफ चाहिए। सर, इंसाफ चाहिए? हाँ सर, अभी बॉडी मेरे को गाँव लेके जाने का, सर मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मैं क्या करूं सर, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब यानी प्रशासनिक मदद चाहिए आपको? हाँ सर। अच्छा, तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, पुलिस से और प्रशासन से क्या अपील रही है? हाँ सर, इस पूरे मामले से प्रशासन से आपकी क्या अपील रही है? सर, ये हेल्प नहीं कर रहा सर मेरा कोई। अच्छा, यानी प्रशासन आपकी मदद करे? हाँ, मेरा सर मदद करे। तो मुंबई में चाहे कोई उत्तर प्रदेश से कमाने है या दूसरे राज्य से कमाने है, उसके साथ इस तरीके की घटना होना बेहद एक चिंताजनक वाक्य है। अब देखना ये रहेगा कि मुंबई में प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद करती है, क्योंकि उनके लिए एक नया शहर है, दौड़ भाग आसान नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, और एक ही गरीब तबके से आते हैं। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद करती है और इन्हें इंसाफ दिलाती है। और इस पूरे घटनाक्रम के पुलिस ने अच्छे से जांच करते हुए 1 लोगों को गिरफ्तार किया है, 4 लोग इस मामले में फरार है। देखना ये 4 लोगों की गिरफ्तारी कब होती है और इन्हें किस तरीके से इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन अम्मार गंगे, जैन सेठ, मुंबई टीवी, साइन।